सूबे की योगी सरकार आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। शीतल वर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी SDM और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में महोली SDM नीरज प्रसाद पटेल ने आदर्श नगर पंचायत महोली द्वारा बनाए जा रहे गौशाला निर्माण की गुणवत्ता और उसकी शुरुआत के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। आदर्श नगर पंचायत महोली में गौशाला का निर्माण डिवाइन हैंड कंस्ट्रक्शन के द्वारा 2,16,00,000 रुपए में किया जा रहा है। बताया जाता है कि गौशाला निर्माण अंतिम चरण पर है। इसके बावजूद गौशाला निर्माण के लिए जारी की गई 2,16,00,000 रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण शेष धनराशि का क्या होगा, इसको लेकर लोगों के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी काफी समय से तैयार हो रही है और क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटा पशु जो हमारे गोवंश वाले रहते हैं उनको रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं। काफ़ी काम हो चुका है और यहाँ पे 300 की क्षमता बताई गई है, तो हम प्रयास करेंगे कि 3-4 दिन में इस पर हम लोग जो है अपना गौशाला वाला काम शुरू कर दें, मतलब कि जानवर रखना शुरू कर दें। तो ये लगभग अब कम्प्लीट होने पर है, हफ्ते 10 दिन में जो है पूर्णतया ये कम्प्लीट। अच्छा, निर्माण की मानक कैसा लग रहा है आपको? निर्माण के मानक के हिसाब से तो इसमें एक टेक्निकल जांच हुई थी और कुछ कमियां इनको टेक्निकल विभाग ने बताई, इसको ये पूरा कर रहे हैं, हैंड ओवर करने से पहले पूरा पुनः इसका इंस्पेक्शन करवाएंगे। ठीक सर।